नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ वी ए एंड वी बी इज। ठीक है, देखो ग्राफ जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है उसमें जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी को बताता है। मान लो x एक्सिस जो है टाइम को बता रहा है, y एक्सिस आपका डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट कर दो, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये a है और ये b है। तो स्लोप क्या बता रहा है, क्या बताया, वेलोसिटी को बताता है। ठीक है, वेलोसिटी को बताता है, याद रहेगा, ठीक, वेलोसिटी को बताता है। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, स्लोप कैसे निकाला जाता है, स्लोप है टेन थीटा, आपका स्लोप होता है टेन थीटा। अगर वेलोसिटी ए की बात करें तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी की बात करेंगे टेन 60 डिग्री। टेन 30 डिग्री क्या वैल्यू होती है, 1/√3। टेन 60 डिग्री क्या वैल्यू होती है, √3। तो वी ए अपॉन वी बी चाहिए, वी ए अपॉन वी बी, इसका मतलब है 1/√3 अपॉन √3, ये कितना आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 आएगा ना, वी ए बाई वी बी लॉजिकली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन